जय हिंद साथियों, मैं हूं सत्येंद्र यादव और आप देख रहे हैं फौजी डिफेंस अकेडमी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज आपको बताएंगे हम शॉट पुट के बारे में। दोस्तों, कई लोग इसे शॉट पुट थ्रो बोलते हैं तो ये गलत है। आप इसे थ्रो नहीं कह सकते क्योंकि आप भारी वेट को थ्रो नहीं कह सकते, आप लाइट वेट को थ्रो ही कह सकते हो। और कुछ बोलते हैं कि हमको गोला फेंकना है, ये फेंका नहीं जा सकता, ऐसे आप रिलीज कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप इसका इतना वेट है कि अगर आप फेंकोगे इस तरीके से तो आपका ये रिस्ट है, इसमें इंजरी हो सकती है, आपके एल्बो में इंजरी हो सकती है, आपका ये शोल्डर है इसमें आपको क्रैक आ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये सारी चीजों से अगर बचना है तो आपको मैं जो बताऊंगा इस वीडियो में, जो टेक्निक बताऊंगा आपको, वो यूज करनी है, उससे आपका ये शॉर्ट पुट है जो गोला है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका थ्रो ये है जो थ्रो नहीं बोलते, इसे बोलते हैं आपको कैसे रिलीज करना पड़ता है, इसे आप कैसे रिलीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये आपको दो तरीके से आप फेंक सकते हैं। पहली चीज, आपके अंदर अगर ताकत है तब भी आप फेंक सकते हो, और आपके अंदर टेक्निक है तब भी आप फेंक सकते हैं। तो मैं आपको बता दें, हमारे भारत में एक किसी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि किसमें कितनी ताकत है। सिर्फ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा टेक्निक के माध्यम से, आप तीन तरीके से टेक्निक यूज कर सकते हैं जिससे आपका गोला परफेक्ट पहुंचेगा और आप पास होगे। तो सबसे दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका ये रिस्ट, ये आपको इस तरीके से नहीं आपको रिलीज करना है, क्योंकि आपका अगर इस तरीके से आप इस तरीके से फेंकोगे तो आपका जो ए है, ये गोला है, इसके ये आपका मुड़ सकता है और इसमें आपकी अगर इंजरी हो जाएगी तो आप ये सोच लो कि आप एक महीने तक आपको रेस्ट करना पड़े। तो आपको ये सारी चीजें का ध्यान रखना है, और आपको इस लाइन का भी आपको जाना, सबसे इम्पोर्टेंट आपको इसी पे है कि इसको आपको कैसे जाना है। दोस्तों, बोलते हैं कि ना कि उतरा हूँ रणभूमि में तो लड़ने से इनकार नहीं, हार भले ही जाऊं पर पीछे हटना स्वीकार नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको हारना नहीं है इसमें, आपको अपना कंप्लीट करना है और इसमें आपको आगे नहीं जाना है, इसमें आपको पीछे ही आना है, तभी आप पास हो पाओगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको तीन टेक्निक बताऊंगा कुछ इसमें, और इसके बारे में बताऊंगा एक कितना कई बच्चों का सवाल होता है कि सर इसका वेट कितना होता है और आपको कितनी दूरी तय पर फेंकना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका वेट 7 किलो, और इसको आपको कितना रिलीज दिखाना भैया, पीछे आपको यहाँ तक भाई, आपको इतना यहाँ पर, ये हमारी लाइन है 20 फुट पर और ये है 22 फुट। अगर दोस्तों आपका इस पर अगर आपको 20 फुट मतलब कि आपको अगर एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप तो आपको 19 फुट फेंकना पड़ेगा, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 20 फुट फेंकना पड़ेगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आओ चलते हैं आप। आपको इसको इस तरीके से पकड़ना है, सबसे पहले आप ग्रिप बताइए भाई, आपको इसका पकड़ने का तरीका सही आना चाहिए, आप परफेक्ट तरीका जानते हैं तभी आपका ये अच्छे से जाएगा। इसका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैप है, इस तरीके से आपको गैप रखना है और इसका पोजीशन इस तरीके से होना चाहिए। आपको हम तीन चीजें बताएंगे इसमें, अगर दोस्तों आपका इस पकड़ने का तरीका गलत है, रॉन्ग है, तो आपको इंजरी हो सकती है, आपका यहाँ पर खिंचाव आ सकते है, आपके शोल्डर में इंजरी हो सकती है। तो ये सारी चीज को आपको ध्यान पूर्वक सुननी पड़ेगी और अपनी करनी पड़ेगी, तभी आपका ये मुमकिन है कि आप कर सको अच्छे। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको फेंकने से पहले आपको सब एक्सरसाइज कर लेनी है, इस तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इस तरीके से अगर करना चाहो तो आप इस तरीके से पहले आप एक्सरसाइज कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आपको एक्सरसाइज करने के बाद अब मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा आपको, इसको आपको रिलीज करने से पहले आपको तीन तरीके से आप इसे रिलीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको एक बार, इसके तीन इवेंट हैं, वे आपको सारे इवेंट बताएंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाने, भैया पीछे से बताना, और पीछे जाओ। दोस्तों, इसका आपका पोजीशन है, इसको गर्दन पर इस तरीके से हटा लेना है आपको,
और इसका 90 डिग्री 90 डिग्री आपका हैंड होना चाहिए। ए हैंड आपका जितना ए हैंड आपके लंबाई और आपकी डिस्टेंस कवर करेगा कि आपको कितना अच्छा जाना चाहिए कितना ऊपर जाना चाहिए। आपको अपनी हाइट के अनुसार आपका ये सामने वाला हैंड इस तरीके से होना चाहिए। और लेग भैया लेग बताना थोड़ी कहीं से आपके जो लेग हैं वो इस तरीके से होना चाहिए। अगर आप खड़े खड़े फेंकते हैं इस तरीके से तो आपको इस तरीके से लेके इस तरीके से फेंकना है तो आप पास हो पाओगे दोस्तों। ना ना वो आपका शॉर्ट पुट गोला है गोले है जी। अगर इसको सबसे पहले आपको ग्रिप देख लेनी है, आपको ग्रिप से पकड़ना है और आप अगर खड़े होकर एक जगह पर खड़े होकर फेंकना चाहते हो तो आपको इसका जो कोणा बनेगा ये 90 डिग्री का और इस हैंड को इस तरीके से रखना है इस तरीके से और अपना जो गोला है गर्दन के सटीक रखना है और इस तरीके से आप फेंक सकते हो इस तरीके से देख के दोस्तों। लाओ भैया दोस्तों अब मैं सेकंड आपको बताऊंगा आप किस तरीके से फेंक सकते हैं इस तरीके से आप फेंक सकते हैं दोस्तों इस तरीके से देखिए आप आपको जो सेकंड बताऊंगा वो आप इस तरीके से फेंक सकते हैं इस तरीके देख के दोस्तों। लाओ भैया और आप आपको बताऊंगा थर्ड कौन से आप फेंक सकते हैं आप वो फाइनली इस तरीके से आप फेंक सकते हैं इस तरीके से देखिए दोस्तों इस तरीके से झुकना है थोड़ा या दोस्तों आप इस तरीके से अपना जो इसका इवेंट होता है इस तरीके से आप रिलीज करना कह सकते हैं। तीन तरीके होते हैं इसके रिलीज करने के दोस्तों। तो इस तरीके से आप फेंकिए आप अपने जो आपका इवेंट है उसमें आप पास होगे और आप मेहनत करते रहिए ऐसे ही तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप मिलते हैं अब नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद भारत माता की जय इंकलाब जिंदाबाद।